गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे ही नेचुरल तरीके से और बहुत ही कम पैसों में कैसे ही घर पे अपने चेहरे का कालापन हटाकर चेहरे को बहुत ही ज़्यादा गोरा और खूबसूरत और बेदाग बना सकते हैं। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा काला हो गया है, सन टैन है, या आपके चेहरे पे काले दाग धब्बे हैं, या आप अपने चेहरे को गोरा करना चाहते हैं, अपने स्किन को ब्राइट एंड फेयर करना चाहते हैं, स्किन को वाइटन करना चाहते हैं। और ये रेमेडी उनके लिए है जो कि बहुत सारे कॉस्मेटिक या बाजार के फेयरनेस क्रीम्स, स्किन वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं पर उनको वैसा रिजल्ट नहीं मिला जो वो चाहते हैं। और इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा काला हो गया है और जो चेहरे का असली ग्लो है वो भी ख़त्म हो गया है और साथ ही साथ चेहरे का कालापन भी बहुत ज़्यादा हो गया है और चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल और बेजान हो चुका है। और ये रेमेडी आपकी जो चेहरे की खोई हुई चमक है, ग्लो है, गोरापन है, वो वापस लाएगा, जो कि अक्सर समय के साथ साथ हमारा चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल हो जाता है पॉल्यूशन से, डर्ट से या गंदगी से। तो ये आपके चेहरे पे चमक ला देगा और आपका खोया हुआ ग्लो, गोरापन भी वापस लाएगा। ये लड़के और लड़कियां दोनों ही लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम चेहरे को गोरा, निखरा और बेदाग कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपके लाई हूँ स्किन वाइटनिंग, ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग फेस पैक, जो कि आपको इसका असर एक ही बार में दिखेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ये रेमेडी। तो इस रेमेडी के लिए हमें लेना है ये चावल का आटा। चावल का आटा हमारे स्किन को ब्राइटन, वाइटन एंड लाइटन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और चावल का आटा हमारे स्किन को गोरा भी करता है, जो कि अक्सर कोरियन एंड जैपनीज गर्ल इसे अपने चेहरे को वाइटन, ब्राइटन एंड लाइटन करने के लिए यूज़ करती हैं। सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है हमारा टमाटर। फ्रेंड टमाटर में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है और ये हमारे चेहरे का कालापन हटाकर चेहरे को बहुत ही ज़्यादा गोरा बनाता है। तो हमने यहाँ पे लिया है एक टमाटर, मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। हमको सिर्फ फ्रेंड्स टमाटर आधा ही चाहिए तो हम इसे बीच में से काट लेते हैं। फ्रेंड हमें लेना है आधा लेमन, इसे भी हम काट लेंगे। फ्रेंड लेमन में भी विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि समय से पहले झुर्रियों को आने से रोकता है और ये हमारे काले दाग धब्बों को भी रिमूव करता है। तो मैंने नींबू को दो टुकड़ों में काट लिया है। सबसे पहले हमें ये लेमन जूस, हाफ लेमन जूस एक साफ बाउल में निकाल लेना है और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप इसका लाइव रिजल्ट चाहते हैं। और अगर वीडियो आपको अब तक पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो फ्रेंड हमारा सेकेंड इन्ग्रीडियंट है वो है एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स एलोवेरा जेल भी हमारे चेहरे को गोरा बनाता है और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करता है गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है तो ये ऑयल को भी कंट्रोल करता है। तो हम इसमें बिल्कुल ही थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर का रस। और फिर लास्ट में हम इसमें डालेंगे चावल का आटा, इतना डालेंगे कि हमको एक फेस पैक कंसिस्टेंसी वाला फेस पैक मिल जाए। तो हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड ये हमारा नुस्खा बनके तैयार है स्किन वाइटनिंग एंड लाइटनिंग फेस पैक, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इस फेस पैक को आप रेगुलर भी लगा सकते हैं अगर आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो चलिए अब हम इसे अपने फेस पर लगाते हैं। तो फ्रेंड इस फेस मास्क को हम अपने क्लीन फेस पे लगाएंगे, आप इसे रोज भी लगा सकते हैं। ये फेस मास्क हमारे चेहरे को बहुत ही ज़्यादा गोरा, निखरा और बेदाग बनाता है और चेहरे को बहुत ही ज़्यादा वाइटन करता है। तो ये जब सूख चुका है तो अब हम इसे थोड़ा सा गीला कर लेंगे नॉर्मल पानी से या एलोवेरा जेल से और एक मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद नॉर्मल पानी से अपना चेहरा वॉश कर देंगे। तो फ्रेंड मैंने अपना चेहरा वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं कि मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा गोरा हो गया है और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग लग रहा है। तो फ्रेंड आई होप मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी कि चेहरे का कालापन हटाकर चेहरे को गोरा, निखरा और बेदाग कैसे कर सकते हैं और चेहरे को खूबसूरत कैसे कर सकते हैं।
फ्रेंड मार्केट के आप जितने भी स्किन वाइटनिंग लाइटनिंग प्रोडक्ट्स देखेंगे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल होते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए अच्छे नहीं होते। हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है जब हम धूप में जाते हैं। पर जो ये नेचुरल जो फेस पैक है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है ये नेचुरल है, और दूसरा इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की है ना वो हर किसी के घर में तो होती ही है। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता फ्रेश एलोवेरा जेल से अच्छा। ये तीनों चारों चीज़ें जो भी मैंने इसमें यूज़ किया है ये हमारे चेहरे को गोरा बनाती है, निखरा बनाती है और बेदाग बनाती है और चेहरे को खूबसूरत बनाती है। और ये हमारे चेहरे को ब्लीच भी करती है, ये एक नेचुरल ब्लीच का काम करती है जो कि हमारे स्किन से जितनी भी मैल होती है, गंदगी होती है, कालापन होता है वो हटाती है और चेहरे को बहुत ही ज़्यादा गोरा और बेदाग बनाती है। तो ज़रूर ट्राई करना और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना, और ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपसे रिलेटेड है स्किन केयर हेयर केयर से रिलेटेड। सो मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई होम रेमेडी, नई DIY या नए किसी स्किन केयर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।